अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मेरे किचन में बनाने वाले हैं कैप्सिकम कीमा। बहुत टेस्टी बनता है ये डिश भी, तो चलिए देखते हैं। 500 ग्राम कीमा लिया है मैंने, इसमें मैंने हड्डी भी डलवाई है, हड्डी वाला बहुत ही टेस्टी बनता है। इसमें प्याज लिए मैंने, दो मीडियम साइज की प्याज, उसको इस तरीके से कट कर ली है। दो टमाटर है, दो ही कैप्सिकम है और कोथमीर पुदीना है। तो चलिए हम बनाते हैं कैप्सिकम कीमा। बाकी का सामान मैं डालती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी। ये देखिए, प्रेशर कुकर में मैंने ऑयल डाल लिया है, करीब एक चम्मच भर के मैंने ऑयल लिया है। और गरम मसाले में आपको बता देते, एक चम्मच जीरा है, 8-10 काली मिर्ची, 3-4 लौंग है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं और 2 बड़ी हरी इलायची है। ये सब मसाला हम इसमें डाल देंगे। ये हमारी प्याज है, इसमें डाल देंगे। और इसको गोल्डन फ्राई करेंगे हम। तो गोल्डन फ्राई हो जाएगी अच्छी तेज आंच पे, फिर इसमें हम कीमा डालेंगे। ये देखिए, प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है अच्छे से। अब इस सॉफ्ट पीस में हम कीमा डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसी वक्त पीस में हम डाल देंगे। 2 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और नमक भी इस वक्त हम इसी में डाल देंगे, टेस्ट के हिसाब से 1 चम्मच और थोड़ा सा। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे जब तक कि हमारे कीमे का कलर चेंज नहीं जाता, जब तक हम कीमे को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, कीमे का सारे पानी सूख गया है, अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। इसमें अभी हम पाउडर मसाला डालेंगे। 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर है, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1/2 चम्मच से कम हल्दी पाउडर है। ये सारे इसमें हम डाल देंगे। तो इस वक्त इसमें हम जो टमाटर हमने काटे थे, आपको बताया था, ये भी हम इसी में डाल देंगे। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे और इसमें 1 गिलास पानी डाल के इसको प्रेशर कुक कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और इसमें 1 गिलास पानी डाल के इसको हम 3 से 4 सीटी लगा लेंगे, जब तक कि हमारा कीमा टेंडर नहीं हो जाता, गल नहीं जाता। ये देखिए, प्रेशर कुकर में से निकाल कर मैंने इसको खुले बर्तन में ले लिया है। ये अच्छे से गल गया है हमारा कीमा। अब इसका थोड़ा बहुत हमको जो पानी रह गया है, इसको अच्छे से भूनना है, सुखाना है। इस वक्त इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून दही डाल देंगे। और ये कोथमीर पुदीना जो मैंने आपको बताया था, ये भी डाल देंगे। इसको अच्छे से हम भून लेंगे। थोड़ा सा इसका पानी अच्छे से सूख जाता है। अच्छे से भून के फिर हम इसमें कैप्सिकम डालेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखिए मैंने साइड के गैस पे कीमा भुनने रख दिया है, अच्छे से भुना रहा बिल्कुल मध्य गैस पे। और ये मैंने तेल रखा कढ़ाई में, 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें तेल डाला। अब इसमें हम कैप्सिकम डालेंगे। हम कैप्सिकम फ्राई करके डालेंगे। इसको आते हम फ्राई कर लेंगे तेल में, तो इसका और भी टेस्ट बढ़ जाएगा। इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। उस पर उसको भी हम हिला लेंगे। तभी पानी अच्छे से सूख गया है, थोड़ी सी हम कलर चेंज होता है जब तक इसको हम फ्राई करके फिर इसको पीले में डालेंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको। देखो, 2 से 3 मिनट हो गए, इसका कलर भी चेंज हो गया, ये मसाला भी चेंज हो गई। और इस वक्त इसमें हम 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी डाल देंगे। इसका फ्लेवर आप मानिए बहुत ही अच्छा आता है। इसको मिक्स कर देंगे और इसकी ऑयल के साथ इसको हम पीने में डालेंगे। और इस वक्त इसमें हम 1/2 चम्मच 1 चम्मच करके स्वाद के हिसाब से गरम मसाला भी डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे और इसको हम कीमे में डालेंगे। देखिए, हमारे मसाले को हम कीमे में डाल देंगे कैप्सिकम के। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है जब हम इसको फ्राई करके डालेंगे। तो ये देखिए, मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरीके से। ये देखिए, कसूरी मेथी और मसाले का बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो
अब इसको 2-3 मिनट इसमें भुनेंगे ताकि इसका पूरा अरक इसमें उतर जाए और इसमें हम सूप करेंगे, जितना हमको चाहिए इतना हम सूप कर देंगे और अच्छे से इसको एक उकाला ले लेंगे। देखिए एक प्याली पानी डाल देती हूँ, बस माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसमें। कैप्सिकम जो हम फ्राई करके डालते हैं तो एकदम काली भी नहीं पड़ती है। इसको हम कवर करके 5 से 7 मिनट पका लेंगे, 5 मिनट की साल फिर हम आपको बताते हैं। चलिए डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही टेस्टी डिश बनके तैयार हुई है। आप भी इसको इस तरीके से कैप्सिकम को फ्राई करके ही डालिएगा तो और भी ज़्यादा स्वाद आएगा इसमें और ये काली भी नहीं पड़ेगी। देखिए बिल्कुल उसका वही ग्रीन कलर है हमारी इसका। मेरी डिश आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।